देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पंजाब सीएम ने कहा कि वीकेंड और सार्वजनिक अवकाशों पर बिना पास के आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा राज्य में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया, जनता निर्देशों का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा दिल्ली में कोविड 19 के नोएडा गाजियाबाद से 40 गुना केस, सफर पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा लैब्स युक्त दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोविड 19 टेस्ट करने चाहिए। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड 19 के रोगियों से जानवर से 72 सलूक शव कचरे में मिले। वित्त मंत्रालय ने चेक बाउंस होने समेत 39 आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिले और अदालतों पर बोझ कम हो। उत्तराखंड में आज 37 नए कोविड 19 के मामले सामने आए और राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1692 हो गई। इंफाल में 19 नए कोविड 19 के मामले सामने आए, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 385 हुई, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 312 हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस के प्रबंधन पर उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। एसएसपी डीजी राजेश चंद्र ने बताया नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वे रिहा कर सके और मामला आगे ना बढ़े। नेपाल में पिछले 24 घंटे में 448 कोविड 19 के मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या अब 5062 हो गई, जिसमें 16 की मौत भी शामिल है। महोबा में पत्थर खदान बिछी, बारूद पर गिरी आकाशीय बिजली, 3 की मौत, 3 की हालत नाजुक, सीएम योगी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा आज से ट्रूनेट मशीन से कोविड 19 का फास्ट टेस्ट हो पाएगा, प्रत्येक जनपद में इन नई मशीनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 536 नए कोरोना के मामले सामने आए, सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 4642 है। अभी तक यूपी में 7609 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। यूपी में रिकवरी रेट 60.31% हो पाया है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की, प्रवेश से पहले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और भीड़ न लगे इसके लिए टोकन की व्यवस्था भी की गई। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने विभूतिखंड थाने का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर समीक्षा बैठक भी की। यूपीसीआर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी मस्जिद में एल्कोहल से बने सैनिटाइजर से अपने हाथ पैर साफ करके जा सकता है, बल्कि अगर किसी की जान जाने का खतरा हो तो किसी भी मस्जिद को एल्कोहल से साफ भी किया जा सकता है। अपने और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए एल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, अपने को साफ रखना जायज है। किसी भी केमिकल को पीकर नशा करना गुनाह है। एल्कोहल गंदा नहीं है। इंसानियत और देश के ऊपर धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी और जिहादी विचार गंदे हैं। गोरखपुर के झंडा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर में शामिल 10,000 रुपए के इनामी बदमाश विकास साहनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सारे अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में एसओ झंडा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा। उसी क्रम में एक और वांछित अभियुक्त बिक्कू साहनी सन ऑफ राजू साहनी, जो कि रामलखना गाँव रामनगर कड़जहाँ का रहने वाला है, उसकी हमारी पुलिस द्वारा एसओ झंडा ने गिरफ्तारी की। इसी मुकदमे में इन पे 10,000 का इनाम घोषित था। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।